कोई बात, आप ले ले। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास रेड बॉल 3 है, ब्लैक बॉल हमारे पास 5 है, टोटल हमारे पास 8। वन बॉल इज ड्रॉ, सो टोटल आउटकम ये हमें चाहिए बस, टोटल। तो टोटल आउटकम इज 8। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, फेवरेबल आउटकम फॉर रेड वी हैव 3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 3/8। ये आंसर आपसे कह रहा है नॉट रेड, आउटकम्स 4। वैसे तो नॉट रेड को 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो आप यहीं पे 1 से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 3/8, 8 1 जाए 8 माइनस 3 5/8, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और अगर वैसे आप काउंट करना चाहते हैं कि अदर देन रेड कितनी है, तो 5। तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप आंसर इसका ऐसे ही ऑरली मुझे दीजिए। जी, ए बॉक्स कंटेंट्स, सिर्फ ऑरली आप आंसर दीजिए। बॉक्स कंटेंट्स 5 रेड मार्बल्स, हमारे पास जो है 5 रेड हैं, 8 व्हाइट हैं, 4 ग्रीन, सो हमारे पास टोटल हो गए 17। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, तो टोटल आउटकम 17 ही। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कौन बताएगा? 5/17। वेरी गुड। सो सेकंड इज व्हाइट, व्हाट इज द व्हाइट प्रोबेबिलिटी? 8/17। सो व्हाइट आर 8, सो 8 विल बी इन फेवर, 8/17। नाउ द क्वेश्चन इज नॉट ग्रीन, तो एक्सेप्ट ग्रीन हमारे पास कितने हैं अदर देन ग्रीन? तो ग्रीन को छोड़ दीजिए, 5 रेड हैं, 8 व्हाइट हैं, दीज आर अदर ग्रीन, तो आपके पास हो गए 13/17। इट वाज क्वेश्चन नंबर 19। जिस बच्चे को लगे कि सर ये नहीं हो पा रहा है क्लियर, तो वो प्लीज पूछेगा जरूर। ये बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सर यस सर, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होती है? इसकी रिकॉर्डिंग यस सर, आपके एंड पे रिकॉर्ड नहीं होगा, मेरे एंड पे रिकॉर्ड होगा, और वो मेरे या तो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा या क्लाउड पे रिकॉर्ड होगा। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं सर, जैसे मुझे बाद में देखना हो लेक्चर तो वो तो मैं वीडियो पे अपलोड करता हूँ, आप उसमें से देख सकते हैं। मैं सारी क्लासेस को ना वीडियो को यूट्यूब के लिंक पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट ओपन हो जाए तो आपको सारे IT20 सिस्टम्स पे ये सारे लेक्चर्स मिलेंगे। चलिए खैर, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है पिगी बैंक कंटेंट्स 150 पैसा कॉइंस। तो जो डिटेल्स है पहले आप उसको लेने की कोशिश करिए कि आपके पास जो 50 पैसा कॉइन्स हैं पिगी बैंक में वो 100 है, एंड 50 वन रुपी कॉइन, तो रुपी वन कॉइन जो है वो
215 and 20 2 rupee coin. So 2 rupee coins jo hai wo 20 and aapke paas kya hai 10 jo hai 5 rupee coins. 5 rupee coins jo hai wo 10 bas yahi. तो आपसे कह रहा है, if it is like equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned up, yes. सब वॉइस नहीं आ रही. हेलो, यस सर. अभी अभी हमारे पास टोटल कॉइंस हैं 180. अगर हम अपसाइड डाउन करेंगे अपना पिगी बैंक तो 1 कॉइन ड्रॉप होगा. अगर 1 कॉइन ड्रॉप होगा तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 180. तो टोटल तो हमारे पास 180 हो गए. आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन. तो 50 पैसे के हमारे पास फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं? तो फेवरेबल रिजल्ट्स 450 पैसे. 50 पैसे हमारे पास कितने थे? कॉइंस 100 कॉइंस थे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा इज 100 बाय 180. ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं इनमें सीधा सीधा सा आपको ये चेक करना है कि टोटल रिजल्ट्स कितने हैं और जो चाहिए उसके फेवर में. इसमें कोई लॉजिक नहीं है. यहाँ कोई डाइस कॉइंस कार्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस नहीं. सिंपल काउंट करने. जी सर, इसके अंदर ही 99 बाय 180 होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइंस विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड. 99 कहां से आ गया सर? एक कॉइन अगर ड्रॉप हो गया तो फिर 50 माइनस कंफ्यूज हो रहे हो भाई. प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं सर? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल. तो 50 पैसे कितने हैं आपके पास? कितने 50 पैसे वाले कॉइंस हैं? 100. इसे कोई सा भी कॉइन ड्रॉप हो सकता है ना, या 99 ड्रॉप होंगे एक ड्रॉप नहीं होगा? बताइए. कोई भी हो सकता है ना, माइनस थोड़ा ही कर रहे. अब सपोज करो आप हमारी क्लास में 10 बॉयज हैं और मैं किसी स्टूडेंट को कॉल करूं. 12 स्टूडेंट्स हैं और 10 बॉयज हैं. मैं स्टूडेंट को कॉल करूं, कोई भी आप में से एक जवाब देगा तो टोटल रिजल्ट है 12. बट बॉय रिप्लाई करे तो उसके फेवर में है 10. अब आप कहने लगे सर 9 ही करेंगे. 9 थोड़ी करेंगे. 10 जितने अवेलेबल हैं सारे फेवरेबल होंगे. डिनाइल कुछ है ही नहीं इसमें. क्वेश्चन है कि ये वाला डिनाई कर देगा, ये वाला एक्सेप्ट करे. अब आपसे कह रहा विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन. तो इस क्वेश्चन को या तो 5 रुपी कॉइन निकाल के 1 में से माइनस कर सकते हैं या अदर देन 5 माइनस कर सकते हैं. तो नॉट 5 का हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉट 5 के फेवर में तो 5 हमारे पास है 10. 170 बाय 180 ये हमें करना.
किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछ लीजिए। और सिंपल सा चैप्टर है, आज थर्ड फोर्थ क्लास हो गई है, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तो आपको आना चाहिए। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th आपकी एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज, दो ही एक्सरसाइज है छोटी छोटी। गोपी बाई ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल एंड 8 फीमेल फिश। तो यहाँ पे भी जो टोटल फिश हैं या टोटल रिजल्ट्स हैं वो 5 मेल प्लस 8 फीमेल फिश, टोटल हमारे पास 13 फिश हैं। What is the probability that the fish taken out is a male fish? So probability of 5 male. By 13. Yes, well, male हो जाएगा 5/13. इतना सही आंसर लिखना है। This is question number 12. Game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers. इस क्वेश्चन के साथ आपके एनसीईआरटी बुक में जस्ट लाइक दिस एक फिगर भी बना हुआ है कि ये हमारे पास सपोज करो सर्कल है और इस सर्कल पे ये सपोज करो नंबर्स लिखे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये सपोज करो आपके पास एक जिसे कहना चाहिए एरो है, अगर आप इसको स्पिन करेंगे तो ये किसी एक नंबर पे जाके रुकेगा। तो गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 to 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। तो हमसे क्या कह रहा है, जब आप इसको स्पिन करोगे तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स क्या है, ठीक है, जो आपका एरो है वो कहाँ पे रुकेगा, 1 पे रुक सकता है, 2 पे रुक सकता है, 3 पे रुक सकता है, तो इसका मतलब टोटल रिजल्ट्स यहाँ पे 8 है, कहीं पे भी जाके वो स्टॉप कर सकता है। बट आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, तो अगर 8 की प्रोबेबिलिटी आपको देखनी है यहाँ, यस सर 1/8, तो 8 पे करेगा तो 1 रिजल्ट इन आवर फेवर, टोटल रिजल्ट्स आर 1/8। ए नंबर ग्रेटर देन 2, number more than 2, so how many numbers are there more than 2? 6/8, sir 3/4, yes, very good. And aap se keh rahe number less than 9, number sir less one. What one, the probability or sir, the favorite? Probability one, sorry. So it is sure event because all the numbers are less than 9, so favorable outcomes 8/8 ho jayega total. गुड, ये मेरे पास देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से हमारे पास ये डाई वाला क्वेश्चन आया जो हमने डाइस का किया था 13, ये वो क्वेश्चन मैं ये जो सॉल्व कर रहा हूँ ये आपको एज इट इज पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे भी और उसमें भी व्हाट्सएप पे भी, इसको फिर आप शेयर कर लीजिए, इंशाल्लाह इसका एक टेस्ट लेंगे छोटा सा। मैंने एक रियल नंबर्स का डाला था, जिन बच्चों ने किया है उसको ट्राई करें, इंशाल्लाह एक दो दूसरे चैप्टर्स के भी डालूंगा, थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं इस पर अदर क्लासेस में, बट मैं आपको देखा हूँ रमजान की वजह से भी थोड़ा सा आजकल ऐसे हो रहा है। खैर, ये हमारे पास है क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन वंस, तो अगर डाई को आप थ्रो करते हो, डाई थ्रोन वंस, तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो होंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There will be 6 results. Find the probability of getting a prime number. So, हमारे पास जो prime numbers हैं, वो कितने हैं? Sir, 3. 2, 3, and 5. So, probability of prime numbers is 3/6. That is 1/2. A number lying between 2 and 6. The probability of a number between 2 and 6
ध्यान रखिएगा बिटवीन की बात करेगा तो बोथ आर नॉट इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड है टू एंड सिक्स लाइन बिटवीन टू एंड सिक्स तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन टू एंड सिक्स थ्री फोर फाइव यस एंड ऑड नंबर How many odd numbers are there? क्यों भाई odd numbers होते हैं one three five so one that is yes three by six that is one by two yes this question's from cards. प्लेइंग कार्ड्स जो हमने डिस्कस किए थे ये उससे वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर तो जब आप वन कार्ड ड्रॉ करते हैं सर जो हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया था ना उसका आंसर या तो पीछे गलत दिया हुआ था या मेरा गलत आ रहा था पता नहीं सर क्वेश्चन कौन सा बेटे सर क्वेश्चन नंबर 13 अ डाई इज थ्रोन वंस वाले का व्हिच ऑप्शन तो वही मुझे पूछना था कि पीछे गलत था या फिर मेरा ही एरर आ रहा था हमें बताइए बेटे कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन ऑप्शन कौन सा इसमें दो तीनों में प्रॉब्लम यस सर ये वाला मैं एक सेकंड बताती हूं चेक करके जैसे थर्ड वाले का हाफ कैसे आ रहा है ऑड नंबर चाहिए ना हाउ मेनी ऑड नंबर्स वी हैव इन अ डाई ऑड नंबर 6 होते हैं ना तो ऑड 3 और 5 2 ही तो हुए 1 क्या होगा बेटे हां 1 भी तो ऑड है मैं प्राइम और उससे कंफ्यूज हूं प्राइम को कंफ्यूज करना प्राइम को कंसीडर कर देना बेटे ठीक है प्राइम प्राइम नंबर में भी अगर करेंगे तो 2 इंक्लूड हो जाएगा और ऑड करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटे is in six numbers me out of these six numbers prime is also say three and odd numbers even number also theek hai it's okay chalo ab ye hamare paas ek question hai one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards find the probability of getting a king of red color to jab aap one card draw karte hain to total results kitne aate one card is drawn ठीक है तो आपके पास टोटल रिजल्ट्स होंगे 52 आपसे कह रहा है एक किंग ऑफ रेड कलर किंग ऑफ रेड कलर या रेड किंग वो होते हैं 2 है ना रेड किंग जो होंगे वो 2 होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग is just 2 by 52 2 by 52 1 by 26 face card so face card kitne hote hain upas bol bataye face six. card bitte 12 hote hain sir 12 sir okay red face card 6 hote hain but total face cards 12 hote hain so probability of face card 12 by 52 से करोगे कैंसिल 4 नेक्स्ट हमारे पास क्या है रेड फेस कार्ड तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे 6 हुआ 6 होंगे 6 by 52 3 by 26 द जैक ऑफ हार्ट बताइए हार्ट में जैक कितने होते हैं सेवन एक ही होता है यस गुड वन बाय 52 एंड स्पैड स्पैड कितने होते हैं टोटल हमारे पास सर 13
विलास द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ, हाँ भाई कितने क्वीन है पर डायमंड में? सर वन, वन बाय 52, गुड, ठीक है मैम। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? कोई बच्चा हमारा शामली से है, स्कूल से? यस सर। यस सर। कौन है, नाम बताइए? सोनू चौधरी। अरे वाह सोनू बेटे, और कौन है क्लास में? उमेर अली। अच्छा उमेर, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। आपको नजर आ रहा है, विजिबल है, आवाज आ रही? यस सर। यस सर। हाँ तो अभी क्लासेस में रहा कीजिए, आप सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ अच्छे से, ठीक है। तो ये अभी बीच में चल रहा है टॉपिक, इसलिए थोड़ा कम समझ में आएगा आपको, क्योंकि चैप्टर हम बहुत दिन से पढ़ा रहे थे, आप लोग अटैच ही नहीं हो पा रहे थे, तो बीच में है, लेकिन आपको आएगा अगर जब नया चैप्टर, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे वो आएगा। यहाँ भी पूछ सकते हो अगर कहीं पे भी लगे कि सर ये क्या है, तो शर्माना नहीं है, सारे अपने ही बच्चे हैं, तो जहाँ पे भी आपको लगे कि सर ये बताइए तो मैं बताऊंगा, कोशिश करो, ठीक है बेटे। और सारे क्लास में औरों को भी बता दीजिए, और बच्चों को भी बता दीजिए, एंड अगर आप लोग सब तैयार हो जाएंगे तो मैं फिर आपके टाइम टेबल पे आपकी अलग क्लास भी ले सकता हूँ, सिर्फ ओनली फॉर यू, आपके स्कूल वाले बच्चों की अलग। ओके सर। तो फिर कोई इशू नहीं, फिर हम आपसे साथ करा सकते हैं, फिर ये बच्चे अलग कर लेंगे क्लास, आपकी अलग वाले हो जाएगी, आप दोनों भी कर सकते हैं कि सर हम इसमें भी पढ़ेंगे, दोनों इशू, बट पढ़ लो, लॉकडाउन है, पता नहीं कब तक खींचेगा बेटे, तो जरूरी है yes. पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब ना, स्पेशली टेंथ है, बोर्ड है, तो एक ऐसा ना हो कि लॉकडाउन की वजह से परसेंटेज डाउन हो जाए, और खुदा ना खास्ता पूरी जिंदगी के लिए रहे कि ये वो सेशन हमारा जीरो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटे, सर फर्स्ट चैप्टर कब करेंगे जो स्टूडेंट्स बात में आते? बेटे मैंने इसमें करा दिया है, आप लोग एक टाइम फिक्स कर लो, उस टाइम में एक्स्ट्रा लेके उसे कवर कर लेते हैं, और अगर कोई और भी नहीं होता है तो आप अपना टाइम फिक्स करिए मेरे साथ और स्टार्ट कर लीजिए बेटे, आई एम अवेलेबल, ठीक है, जब भी बेटे आपके पास टाइम हो आई एम फ्री। आप मुझे बता दें कि सर इस टाइम में अवेलेबल हो सकता हूँ, तो फिर मैं इंशाल्लाह उस टाइम आपको बता दूंगा कि इस टाइम हम आपकी क्लास करेंगे। कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, ये तो मैं लिंक भेज दूं कि आप पहले उसको स्टडी कर लें जैसे आपको फिजिबिलिटी लगे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे आज अटेंड कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इन क्वेश्चंस में देखना क्या होता है, इन क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना होता है कि जो हमसे कह रहा है वो कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं जब हम कुछ कर रहे हैं। जैसे अब आपसे क्या कह रहा है, मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, तीन लाइनें लिखनी होती है, नाइन्थ में सब बच्चों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज का मतलब जिस चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हो उसको इवेंट कहते हैं, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो जो इवेंट है उसके फेवर में कितने रिजल्ट हैं, तो फेवरेबल आउटकम FOC में लिखता हूँ, और जो आप काम कर रहे हो उसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, तो टोटल आउट TOC में लिखता हूँ, सिर्फ इतना सा, तीन चीजें ढूंढनी है, क्या हमें निकालना है, किस में निकाल दीजिए, हम काम कर रहे हैं उसके टोटल रिजल्ट्स, और जो हम फाइंड करना चाहते हैं उसके फेवर रिजल्ट, डिवाइड कर दो बस। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 cards the 10 jack queen king and ace of diamonds, तो हमारे पास 5 cards हैं सर, 5 cards में क्या है, एक पे कार्ड पे तो 10 लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं डिटेल में ले लूं जो थोड़ा बच्चों को समझ में आ जाए, और एक कार्ड पे बेटे जैक बना हुआ है, फेस बना होता है इसे फेस कार्ड बोलते हैं, एक कार्ड पे क्वीन बना हुआ है और एक कार्ड पे किंग बना हुआ है, और एक कार्ड पे जो हमारा इक्का होता है एस की हम बात करते हैं ए, वो हमारे पास, और ये सारे के सारे एक सूट कहलाता है, इसे सूट कहते हैं, ठीक है, डायमंड, हमारे पास 4 suits होते हैं, तो ये डायमंड सूट्स है यानी कि डायमंड वाले ग्रुप से, तो ये 5 के 5 cards डायमंड में से, हमारे पास अगर बच्चे देखते हो तो उसमें हमारे पास 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, उसमें हार्ट होता है, स्पैड होता है, ठीक है,
डायमंड होता है क्लब होता है, जिसे हम पान हुक्म ठीक है चीड़ी गुलाम उस तरह से बोलते हैं। तो ये डायमंड में से है, डायमंड मतलब ईंट वाला जो होता है उस तरह का। तो आपसे कह रहे हैं आर वेल शेपर्ड विद देयर फेस टुवर्ड्स वन कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम। अब आप खुद ही बताओ जब आप पांच कार्ड में से आउट ऑफ फाइव वन कार्ड इज ड्रॉन, तो अब आपको खुद सोचना है कि टोटल रिजल्ट्स कितने हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स आपके पास पांच कार्ड हैं, आपके पास पांच कार्ड हैं, पांच का फेस नीचे है, पांच हैं बस, 52 नहीं है। यहाँ ये कंफ्यूज मत हो जाना, आउट ऑफ फाइव मैंने लिख भी दिया, मेंशन कर दिया, उसने भी लिखा है फाइव कार्ड्स। तो आउट ऑफ फाइव अगर आपको एक निकालना है तो आप कितने आपके पास ऑप्शन है, तो ओनली फाइव ऑप्शन हो। तो ये सबसे पहला देखना होता है कि टोटल रिजल्ट कितने। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पहला जो लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, तो आपको चाहिए क्वीन। तो फेवरेबल रिजल्ट्स या फेवरेबल आउटकम्स 4 ए क्वीन। अब बताओ क्वीन के फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं, कितनी क्वीन है हमारे पास सर? वन। वन है, वेरी गुड। तो यही हमारा आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन इज 1/5, इतना तीन ही लाइन लिखनी होती। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब दूसरा क्या है, अब यहाँ थोड़ा सा कह रहा है, इस चीज को आप सब बच्चे समझिए क्योंकि इस क्वेश्चन को एक जगह और कहेगा। आपसे कह रहा है द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ठीक है। आपने जो किया था क्वेश्चन जो आप कर रहे थे उसमें क्वीन आ गया और आपने क्वीन को निकाल के अलग रख दिया। अगर क्वीन को आपने अलग रख दिया If queen is drawn, तो अब आपके पास रिमेनिंग कार्ड कितने बचे, मुझे ये बताएगा कोई बच्चा? Four. Yes, very good. तो रिमेनिंग कार्ड 4. अब आपसे क्या कह रहे हैं, वट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड एस। अब हमें इक्का चाहिए, तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कोई बताएगा? 1/4. Yes, 1/4. लेकिन इसी में क्वेश्चन कर दिया उसने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, इम्पॉसिबल इवेंट 0. ठीक है, आपके पास जो फोर कार्ड्स हैं उसमें क्वीन नहीं है, क्वीन तो आप पहले ही निकाल चुके हो, उसमें टेन है, उसमें जैक है, उसमें किंग है और उसमें एस है, तो आपके पास कोई भी फेवर में नहीं, तो 0/4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये हमारे पास थे कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है सब बच्चों को? किसी को ऐसा बच्चा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो? कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम हो? नेक्स्ट क्वेश्चन लें। चलो देखो, ये थोड़ा सा तीन चार क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो अच्छे हैं, बहुत इजी इजी से हैं, तो इन्हें समझने की कोशिश करिए। जो लॉजिक है वो तो सिर्फ मेरे हिसाब से डाइस कार्ड्स और कॉइंस वाले क्वेश्चंस में ही है, बाकी सब क्वेश्चन में आपको सिर्फ टोटल देखना है कितने हैं और जो फाइन कर रहे हैं उसके फेवर में देखना है। बात कर प्लीज देखो, आपसे कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। मैं हमेशा क्वेश्चन से कहता हूं जस्ट रिपीट द इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन हियर, वी हैव 12 डिफेक्टिव पेन। गुड पेन 132। आप कोई मुझे बताएगा यहाँ पे टोटल पेन कितने हो गए? 142 पेन। 144 144
Yes, 144. Good. अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है, it is not possible to just look it at a pan and tell whether or it is not defective. ये जैसे एक लैंग्वेज है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? इसका मुझे इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं. आपसे कह रहा है, one pan is taken out at random. अब आप बताओ मुझे, अगर एक पैन में ड्रॉ करूं, one pen is drawn. One pen is drawn. तो कोई बताएगा बच्चा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? One pen is drawn. So total outcomes. कौन सा पेन आएगा? डिफेक्टिव पेन आएगा, गुड पेन आएगा, कौन सा पेन आएगा? या कोई भी आ सकता है? सर कोई भी आ सकता है. तो हाउ मेनी पॉसिबल्स? 144. यस 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 144. आपके पास एक बैग है, उसमें बहुत सारे पेन हैं, कुछ चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे हैं. तो जो चल रहे हैं 132 हैं, जो चल नहीं चल रहे वो 12 हैं. आपने एक पेन हाथ डाला और निकाल लिया, रैंडम, रैंडम बगैर देखे, आपको पता भी नहीं है, तो आप गैस नहीं कर सकते. तो आपको रैंडम में आंख बंद करके निकालो, तो कोई भी पेन आ सकता है. तो इट मींस टोटल रिजल्ट्स 144. सबसे पहली लाइन यही देखनी होती है कि टोटल क्या. अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको क्या प्रोबेबिलिटी के आगे जो टर्म लिखा होता है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन. तो गुड पेन के फेवर में क्या होगा? Probability of good pen. बताइए good pen कितने हैं? क्या होगा तो खड़ी? 132. Yes. 132 में से कोई भी आ जाएगा तो आपका ये good pen. तो 132 upon 144. अब ना आपको क्या हो गया तो वापी खड़ी. अच्छा आपके पास क्या होगा? पीछे से बेटे आवाज को मना करिए, या आप दूसरे रूम में बैठ जाइए जाके थोड़ा सा. तो 12, 11, और या फिर आप उसको साइलेंट कर लिया कीजिए. जब आपको बोलना तब आप बोल लीजिए. तो 12 से आप कैंसिल करेंगे तो 11/12 इज द आंसर. दैट्स इट. इतना सही लिखना. क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड. अब इस नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. है क्वेश्चन ये भी ऐसा ही. That is question number 17. हाँ भाई, हमसे क्या कह रहा है? Lot of 20 bulbs. आपके पास जो total bulbs हैं वो 20 हैं. Contains 4 defective. तो यहाँ question ये समझना है कि आपके पास total 20 हैं, 24 नहीं हैं. ये confuse कर रहा है. इस टोटल में डिफेक्टिव 4 है. तो अगर डिफेक्टिव 4 हैं, तो कोई मुझे बताएगा नॉन डिफेक्टिव कितने रह गए? सर 116. 16 रह गए. यस 16 सर. गुड. वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अगर आप वन बल्ब ड्रॉ करेंगे तो टोटल रिजल्ट्स कितने आएंगे? वन बल्ब इज ड्रॉन, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे ये बताओगे? हाँ जी बेटे, आपके पास बल्ब कितने हैं टोटल? 20. अब आप एक बल्ब निकाल रहे हो तो सारे के सारे कोई भी ऑप्शन में से आ सकता है. तो टोटल आउटकम्स रिमेन सेम, 20 जितने हैं वो सब आ जाते हैं, वो तो फिर रहता ही. ठीक है, अब आपसे कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव. अब हमारे पास डिफेक्टिव कितने थे? डिफेक्टिव थे हमारे पास 4. टोटल कितने थे? 20. आंसर कितना आ गया बेटे? 1/5. समझ में आ रहा है? अब आपसे कह रहा है, अब देखो, अब यहाँ फिर क्वेश्चन चेंज करता है. जैसे पहले वाले में किया था कि क्वीन इज केम आउट एंड पुट इट असाइड, तो सेम क्वेश्चन कह रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन
in first is not defective, is not defective and is not replaced. आपने उसे वापस भी नहीं replace किया, आपने उसे उठा के अलग रख दिया, ठीक है. Now one bulb is drawn at random from the rest. तो अगर बल्ब पहले वाले केस में नॉट डिफेक्टिव बल्ब था, तो नॉट डिफेक्टिव मींस गुड बल्ब. तो गुड बल्ब आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है. वन गुड बल्ब इज ड्रॉन एंड नॉट रिप्लेस्ड. आपने चेंज भी नहीं किया, उठा के उसको एक साइड रख दिया है. So now remaining bulbs, अब कितने बल्ब बचे आपके पास? 20. 19. टोटल तो 20 है ना बेटे. हाँ भाई समझ लीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है. आपके पास बेटे 20 बल्ब्स थे, उसमें डिफेक्टिव 4 थे, नॉन डिफेक्टिव या गुड बल्ब 16 थे. आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन किया है. वीडियो बंद रखिए बेटे, प्लीज कैमरा अपना ऑफ रखिए जब तक मैं ना कहूं, से डिस्ट्रक्शन होता है. सोनू थैंक यू जी. तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटे कि आप पहला वाला जो ऑप्शन कर रहे हो, आपने आपसे कहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो हमने निकाल दिया 1/5. बट आपसे कह रहा है जो हमने निकाला वो नॉट डिफेक्टिव था एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड. क्वेश्चन के अंदर समझने की कोशिश करिए. सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. So not defective means good. One good bulb is drawn at and not replaced. So now remaining total bulb is 19. यहाँ मैं mention कर दूँ total. ठीक है? तो total हमारे पास 19 है. अब कोई मुझे बताएगा इन 19 में defective कितने हैं? Please tell me. Out of these 19, how many bulbs are defective? Sir, 4. Yes, defective remains same because हमने जो निकाला है वो defective नहीं है, तो defective is still 4. अच्छा, good bulb कितने रह गए? अब good bulb कितने रह गए? पहले थे 16 और एक हम निकाल चुके, तो good bulb हमारे पास रह गए 15. वैसे भी 19 है, 4 उसमें good defective है, तो 15 हमारे पास good होंगे. अब आपसे कह रहा है now one bulb is drawn at random from the rest, what is the probability that this bulb is not defective? Again आपसे कह रहा है probability of not defective या good bulb. अब probability क्या आएगी भाई? Yes, 15 by 19. सब बच्चे प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और फिर अगर पूछना है तो पूछ लीजिए. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दिस क्वेश्चन इज इन टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग आउट टोटल 20, 4 डिफेक्टिव, 16 नॉट डिफेक्टिव. वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब. तो फॉर डिफेक्टिव इट वाज 4/20, 1/5. क्वेश्चन इज ओवर. अगेन द क्वेश्चन स्टार्टेड एंड सेड कि वी इन फर्स्ट वी ड्रॉ ए गुड बल्ब एंड नॉट रिप्लेस. तो अगर आपने गुड बल्ब को ड्रॉ किया है, रिप्लेस नहीं किया है, तो अब आपकी काउंटिंग जो है कम हो जाएगी. टोटल में एक कम हो जाएगा, 19 रह जाएंगे. गुड में एक कम हो जाएगा, 15 रह जाएंगे. डिफेक्टिव उतने ही रहेंगे. अब आपसे अगेन कह रहा है व्हाइट थ्री व्हाइट, अगर वन बल्ब इज अगेन ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव? दैट विल बी 15/19. इज दिस क्लियर? शकीब वीडियो ऑफ करिए बेटे. थैंक यू जी बेटे. सबको समझ में आ रहा है? सब यही है, घूमने गए हैं? यस सर. ठीक है, आगे बढ़े. चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख. ये क्वेश्चन शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ नंबर्स ही ढूंढना है इसमें. ये देखो कुछ बच्चे आज हमारे स्कूल से इसमें अटैच हैं, तो कभी कोयल की आवाज है, कभी कुत्ते की आवाज है, गांव के अपने मजे हैं.
अल्लाह ताला सब पे रहम। यस देखो, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ठीक है बेटे, ये अच्छा क्वेश्चन। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क व्हिच आर नंबर फ्रॉम 1 टू 90। अगर आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, कॉन्सिक्यूटिव है, तो जो लास्ट वाला नंबर है उतने ही टोटल डिस्क है, फिर कुछ नहीं सोचना। अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेके 90 तक कितने डिस्क होते हैं, और अगर आप माइनस करेंगे तो 90 - 1 = 89 होता है, जबकि 89 नहीं है, यहाँ टोटल डिस्क 90 है, देख लीजिए। तो कभी भी टू नंबर्स को माइनस करके कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आप नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनमें 1 प्लस करना पड़ेगा। आप जो निकाल रहे हो वो डिफरेंस निकाल रहे हो, गैप निकाल रहे हो कि 1 से लेके 90 तक कितने गैप हैं, तो 89 गैप्स हैं, बट नंबर्स 90 है, 89 प्लस, ये ध्यान रखना आप सब। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो बस हम तो छोटा सा लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास टोटल डिस्क 90 है, एक डिस्क आप ड्रॉ कर रहे हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बी अ टू डिजिट नंबर। तो आपको ये देखना है कि टू डिजिट नंबर के लिए क्या ऑप्शंस हैं, टू डिजिट नंबर्स। यहां टू डिजिट नंबर्स होंगे 10, 11, कहां तक 90 तक। अब ये सोचना पड़ेगा आपको कि 10 से लेके 90 तक कितने नंबर्स होते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? From 10 to 90, how many numbers are there? अभी मैंने समझाया भी है तो कॉन्सेप्ट। Yes, sir. कितने? 79. Very good. कोई और बच्चा? डॉक्टर ज़ैना? How many numbers? 89. Okay. Total 90 है और आप 89 कह रहे हो, two digit numbers. और ज़ैना क्या रही है? 81 है। काउंट करेंगे ना, टोटल 90 है, तो 90 - 9 = 81। That's it. Both ways. Either you may subtract 90 - 10 and plus 1. या तो मैंने भी आपसे कहा, अगर आपके पास consecutive numbers हैं, तो आप उनका difference ले लीजिए, but उसमें plus 1 कर दीजिए. तो these are consecutive numbers. ये जो ज़ैना ने कहा कि हमारे पास जो numbers हैं total, ये इसमें concept है question में, कि भाई हमारे पास टोटल जो नंबर्स हैं वो 1 से लेके 90 तक हैं, तो हमें पता है 90, लेकिन 1 डिजिट वाले 9 नंबर्स इसमें से एक्सक्लूड कर दीजिए। तो अगर 9 आप एक्सक्लूड करेंगे आउट ऑफ 90, तो देयर विल बी 81 नंबर्स। तो आपके पास कितने नंबर्स आएंगे? 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट, गुड, आज कुछ बच्चे बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से दिल सा लगा रहता है कि हाँ भाई बच्चे माशाल्लाह सीख रहे हैं, खुशी भी होती है, ऐसे ही रिप्लाई किया। आपसे क्या कह रहे हैं नंबर वाला? हां बेटे बोलो, शाबाश, टू डिजिट नंबर वाला समझा दे। टू डिजिट नंबर्स बेटे कौन-कौन से होते हैं आप ये बताओ पहले। तो 10 से 90 है, इसमें 10 से 90 तक होंगे, वैसे 10 से 99 तक होते हैं, है ना। अब आपको काउंट करना है कि 10 से लेके 90 तक कितने टू डिजिट नंबर्स होंगे, ये आपको काउंट करना है। एक्चुअली है क्या, समझ लीजिए, है क्या बेटे, ये है सपोज करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये सपोज करो 90। तो ये जो नंबर्स हैं बेटे, ये टोटल 90 नंबर्स। कितने नंबर्स हैं? 90। आप इनमें से आप 1 डिजिट वाले अलग कर दो, तो 1 डिजिट वाले हैं 9, तो 9 को आपने अलग कर दिया, तो फिर 2 डिजिट वाले कितने बचे बेटे, बताओ? 10 - 19 कितने हो गए? इन नंबर्स काउंट करोगे आप तो कितने बैठेंगे? 81। कितने बैठेंगे? 81, है ना। तो आपके पास टू डिजिट 81 हो गए। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो आपको ऊपर लिखना है कि टू डिजिट वाले कितने हैं, और नीचे लिखना है कि टोटल हमारे पास नंबर्स कितने हैं। तो टू डिजिट वाले थे भी 81, टोटल थे 90, तो उन्हें हम डिवाइड कर दें। अब समझ में आ गया? यस सर। अब इसे समझ लो, अगर आप लोगों को वो हो रहा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कॉन्सिक्यूटिव में क्या होता है।
आप मुझे ये बताओ, थ्री से लेके फाइव तक, थ्री से लेके फाइव तक कितने नंबर्स होते हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम थ्री टू फाइव? फ्रॉम कह रहा हूँ, फ्रॉम थ्री टू फाइव, बिटवीन नहीं कह रहा हूँ बेटे। अरे सर थ्री सामने लिखा हुआ, फिर भी टू कह रहा हूँ। थ्री से फाइव तक तीन नंबर होते हैं, थ्री फोर और फाइव। हाँ सर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? थ्री। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता तो आप क्या करते, फाइव में से थ्री माइनस करते तो आपको आंसर मिलता टू। जैसे हम निकालते हैं, हम आपसे कहने लगे कि भाई टू से लेके एट तक हाउ मेनी नंबर्स आर देयर नंबर्स फ्रॉम टू टू फाइव, तो आप क्या करोगे, फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, कि भाई हमारे तो थ्री नंबर्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, टू टू फाइव क्या होगा, टू थ्री फोर फाइव, फोर नंबर्स होंगे। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, आप उनका गैप निकालें, तो ये गैप निकल के आता है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि थ्री और फाइव के, थ्री से लेके फाइव तक टू गैप्स हैं, एक गैप आएगा थ्री से फोर और एक गैप आएगा फोर से फाइव, तो दे आर टू गैप्स। बट नंबर थ्री, टू टू फाइव देखोगे तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, फोर गैप्स हैं, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, थ्री गैप्स हैं, फोर नंबर्स। तो जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने हो तो डिफरेंस में प्लस वन करोगे। सर सही है? ओके सर। आइए, अब क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास नेक्स्ट? हमसे कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर, आपके पास जो 90 नंबर्स हैं, वन से लेके 90 तक, इनमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है? हाँ भाई, वन टू नाइन तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं। Yes. तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास होगा वन, ठीक है, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स, सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन एंड एट स्क्वायर सिक्सटी फोर, नाइन स्क्वायर एट्टी वन। तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे नाइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज नाइन बाई नाइनटी, that is 1 by 10. There is one more question in this question, there is one more part. A number divisible by 5. So, bataiye number divisible by 5 kya hoga? Number divisible by 5. So, ye honge 5, 10, 15, 20, theek hai, 25, 90 tak hoga. तो आप 90 को डिवाइड कर दो 5 से। हाउ मेनी टाइम्स टेबल इज गोइंग ऑन? 18 टाइम्स, ठीक है, जो आप टेबल करेंगे तो 18 टाइम्स, तो आपके पास नंबर डिविजिबल बाय 5 18 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी नंबर डिविजिबल बाय 5 की? 18 by 9, सो 1 by। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है सर। अब मुझसे किसी को भी डाउट पूछना है तो डाउट पूछ लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जी बेटे, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था मैं डायरेक्ट वो डाउट बता दूं, बिकॉज ऑलरेडी 5-5 हो चुके हैं, तो 1 or 2 डाउट्स आप ले सकते हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चन का नेक्स्ट क्लास में। कोई सा पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी बच्चे को पूछना हो? सर जो मैं आपको सेंड कर था क्वेश्चन हुआ था वो आपने उसका दूसरे चैप्टर का पूछा था ना? यस सर। तो मैं इसे फ्री कर दूं फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इनको फ्री कर लें इंशाल्लाह फिर बता रहा हूँ। जी बेटे, किसी बच्चे ने प्रोबेबिलिटी करा हो एनसीईआरटी में से, आप पूछ रहे थे किसी और क्वेश्चन में? बोलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें। सर 15.2 का क्वेश्चन 2। 15.2 का क्वेश्चन 2।
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन टू मिसिंग है, क्वेश्चन बताओ, पढ़ो एक बार। A die is numbered in such a way that its faces show the numbers 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 6. Sir, काफी बड़ा stick ही, वो camera on करके दिखा दें। Sir, दिखा दें? जी, on पे। अरे यार, क्या हो रहा? वही रहा। छोड़ दो, मैं लिख रहा हूँ कुछ। जी, ये क्वेश्चन, इसमें क्या करना था मुझे? A die is number in such a way that its face show the numbers 1, 2, 2, 3, 3, 6. It is thrown into thrown two times and the total score into throw is noted. Complete the following table which give a few values of the total score on the two throws. ये मेरे पास, तो आपको तो फिल करना है कि भाई टोटल रिजल्ट आप फिल कर दो। तो जो आपको समझाया था उस तरह से देखना कि भाई हमारे पास जो नंबर्स हैं यहाँ पे, आपको स्क्रीन विजिबल है सब बच्चों को? स्क्रीन विजिबल है, तो ये स्क्रीन है। यस सर। तो आपके पास यहाँ पहली चीज तो ये है कि इस पे डाइस पे जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं वो नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्पेशल डाई है जिसपे 1, 2, 2, 3, 3, 6 ये हमारे पास मेंशन है। और फिर जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हम उनका सम करके लिख रहे हैं, इंडिविजुअल रिजल्ट्स नहीं लिख रहे हैं। तो आपसे कह रहा है जो रिमेनिंग है उनको फिल कर दीजिए। तो आपसे सीखना चाह रहा है वो, देखना चाह रहा है कि आपको रिजल्ट्स को निकालना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे देखो, अगर पहले पे 1 आएगा और दूसरे वाले पे भी 1 आएगा तो रिजल्ट 2 हो जाएगा, ठीक है? अगर पहले वाले पे 1 होगा और दूसरे वाले पे 2 होगा तो रिजल्ट 3 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 1 और 2 होगा तो 3 हो जाएगा, 1 और 3 होगा तो 4 हो जाएगा, 1 और 3 होगा फिर 4 हो जाएगा, 1 और 6 होगा तो 7 हो जाएगा। संज्ञा मित्र, समझ में आ रहा? तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास क्या है, मान लीजिए हम पहले वाले में कह रहे हैं थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम, तो 2+1, 3, 2+2, 4, 2+3, 5, 2+3, 5, 2+6, 8, 3, 1, 4, 3, 2, 5, 5, 6, 6, 9, 3, 1, 4, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 6, 6, 9, like this. तो फिर हमारे पास 6 आ गया, तो 6, 1, 7, 6, 2, 8, 6, 2, 8, 6, 3, 9, 6, 3, 9, 6, 6, 12, that's it. ये हमारे पास आ गया, समझ में? ओके सर।